मद्रास में जब गड़बड़ी की पहली आशंका नजर आई थी, तब 18वीं ग्रेनेडियर्स को घाटी से द्रास मूव कर दिया गया था। तब आकलन ये था कि चोटी पर 8-10 घुसपैठिए हैं बस। सैनिकों से कहा गया, ऊपर जाओ, गर्दन पकड़ के सबको नीचे ले आओ। नागा, गढ़वाल और ग्रेनेडियर्स, तीन रेजिमेंट के सैनिक ने दो ओर से तोलोलिंग पर जाने का प्रयास किया, पर बढ़त हासिल नहीं कर पाए। 17 मई को भारतीय वायुसेना ने तब अपना पहला टोही विमान निकाला। जो तस्वीरें सामने आई, स्थिति एकदम साफ हो गई और 26 मई को भारत ने ऑपरेशन विजय का ऐलान कर दिया। पर तोलोलिंग की लड़ाई भीषण होती जा रही थी। यहां एक महीने बाद भी कामयाबी नहीं मिली थी। पर ग्रेनेडियर्स के अनुभव को समझकर अब राजपूताना राइफल्स अपनी योजना बना रहे थे। शिवसान पूछा, बोले बोलो भाई, सभी कमांडर बताओ बताओ अपनी अपनी राय बताओ। हम सब ने बोला, सर ऐसे है, माइन फील्ड को उठाया जाए, कोई कुछ कहे, कुछ अपनी अपनी राय सभी ने दी और सभी कमांडर तगड़े थे, तो राय थी वो सभी। फिर मेरे पूछा, बोले हाँ बेटा दिगेंद्र कोबरा बता तू। मुगो सर मैं वो तोलो लिंग के पीछे की तरफ गया था और वहाँ ऐसे पत्थर है, वहाँ पत्थरों के साथ साथ में ऐसे ऐसे इस प्रकार से मैं गया था पीछे, और वहां से तकरीबन 80-90 या 100 मीटर या 110 मीटर होगी, वहां मतलब ऐसे खड़ी है, वो थोड़ी सी वहां रस्सा बांध दिया जाए पीछे से तो दुश्मन का बिल्कुल नजदीक पहुंच सकते हैं अपने। बोले बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। मगो सर मैं माउंटिंग वेयर फेर कौन सर, मेरा कमांडो है, पीटी है, कराटे ब्लैक बेल्ट हूं। बोले ओ रस्सा बांधेगा। मगो सब बांधूंगा। दरबार हुआ सुबह तो हम गए वहां पर, तो मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था, तो उस जगह बैठा तो जमे मलिक साहब ने वो सैन मॉडल बनाया तोरोलिंग का, भाई ये तोरोलिंग पहाड़ी है और यहाँ हमारी भारतीय सेना ने बहुत भयंकर कैजुअल्टी दे दी है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली है। अब बताओ किसी भी कमांडर को कोई शक, कोई कोई पूछना चाहता है, कोई राय, कोई बताओ मुझे। तो मैं वहां खड़ा हूँ, सर जय हिंद, बेस्ट कमांडो ऑफ द इंडियन आर्मी, नायक दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा। मुगो सर मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोले क्या। मुगो तोलोलिंग इस प्रकार से है फौज में, मुगो साहब हम मरने के लिए नहीं आए। बोले तो, मुगो मारने के लिए है सर। सही तो मेरे नॉलेज में मरना बहादुरी नहीं है सर, मारना बहादुरी है। मेरे बाप ये कहता, बोले मार के जंग जीती जाती है बेटा, मर के नहीं जीती जाती। एक सिपाही के ऐसे जज्बे ने जनरल मलिक का दिल जीत लिया। दिगेंद्र जैसे अनुभवी और बहादुर सिपाही के नाम भर से पूरी पलटन में हौसला भर जाता था, और उनकी खासियत थी आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाना। जो पहली रेकी पार्टी होती थी जी, और जो रस्सी सही से बांधता, क्योंकि उसमें रोप एक बार बंद गया उसके बाद उस रास्ते पर चलना है सबको जी, जी, तो आप 80% काम कर देते थे। तो ये जो करगिल वॉर में किसी भी बैटल में किसी भी लड़ाई में जीत का श्रेय जाता है, ये सब उस पहले सैनिक को जाता है जो वो रोप बांध कर आता है ऊपर तक। बहुत तो किसी को तो करना ही पड़ेगा। हाँ। अगर ये लैंड में चल रहे हैं, हम आरडी परेड में चले तो पहला सिपाही का तो कैमरा तो उसी पे जाएगा। हाँ। भाई वो पहला तो हाथ वही चलाओगे ना। हाँ। या कमांड देगा तो बोले परेड सावधान सामने से तेज चाल, तो पहला ही बंदा कदम मारेगा पहला, तो पहल तो किसी को तो करनी पड़ेगी। तो पहल आपने कर दी थी जी। रात के सन्नाटे में या तो बर्फ से कपकपाहट थी या फिर सन्नाटे को चीरते धमाकों की थरथराहट। कील ठोकते, रस्सियां बांधते सैनिक आगे बढ़ रहे थे। वहां तो पता ही नहीं कितने मोर्चे हैं, और उस टाइम पे हमने बिफोर्स गन का डायरेक्ट फायर किया। और यहाँ जाएगा तो पाकिस्तान में फटेगा, और यहाँ टकराओगे तो यही फट जाएगा, मेरा तो नुकसान नहीं होगा ना। भरे बोले शाबाश। तो वो सारी गन उसके ऊपर इस प्रकार से डायरेक्ट फायरिंग, डायरेक्ट फायर शुरू कर दिया, और जब तक मैं वो रस्सा बांधा जब तक वो डायरेक्ट फायर होता गया। फिर मैं 14 घंटे में रस्सा बांध दिया, मेरे सीओ साहब को बता दिया मैंने, मुगो साहब मैंने अपना काम कर दिया। बोले तू चीफ से बात करे एक बार, चीफ साहब को बता, बहुत खुश होंगे। तो मुगो साहब मैं बताऊं क्या। हाँ बोले तू बता यार क्या दिक्कत है। मैं गया मुगो साहब जय हिंद।
बोले हाँ बेटा दिगंदर बता कैसी पोजिशन है। मैं मगो साहब उसके ऊपर मैंने दूरबीन 14 घंटे बांधा था मैंने उस टाइम पे ठोकता ठोकता तो वो गन ऐसे लग रही कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई पत्थरों का संगठ ऐसे मोर्चे मोर्चे एक मोर्चा यहाँ एक वहां और एक वहां एक वहां इस प्रकार से वो मोर्चे लगे हुए थे। बारह जून की रात तोलुलिंग पर फाइनल चढ़ाई की योजना थी। तोलुलिंग को मुक्त कराने के लिए मेजर विवेक गुप्ता की कमांड में टीम तैयार थी। नायक दिगेंद्र कुमार सिंह, सूबेदार भंवरलाल भाकर, सूबेदार सुरेंद्र सिंह राठौर, लांस नायक जसवीर सिंह, नायक सुरेंद्र, नायक चमन सिंह, लांस नायक बच्चू सिंह, सीएमएच जसवीर सिंह और हवलदार सुल्तान सिंह नरवारिया पर जिम्मेदारी थी। तोलुलिंग की पहाड़ी पर पाकिस्तान ने 11 बंकर बना रखे थे और तोलुलिंग फतेह के लिए इन बंकरों को उड़ाना जरूरी था। बारह जून की रात को मैंने 18 हैंड ग्रेनेड और 350 गोली AK-47 की और एक AK-47 एक पिस्टल एक कमांडो डैगर जो इतना बड़ा चक्कू होता है जो साइनाइड में भिगोया होता है वो मैंने चक्कू लिया था। मैं को साहब पहले बंकर के अंदर मैं बर्बाद कर दू तो सुल्तान भंवरलाल बोलता तो साहब जी दूसरा भंवरलाल के नाम लिख दू वसीयत समझवीर बोलता है हम मेरठ के शेर है सेम टू सेम आवाज बता रही आज उनकी बोले हम मेरठ के शेर है पाड़ के दिखा देंगे हम हर युद्ध में जीत हासिल करिए। बोले तीसरा मैं शाबाश भाई बोलो वो सुमेर सिंह राठौड़ बोलता है हाँ भाई राजस्थान के शेर है हम चौथा हम भी उठाएंगे। बोलो फिर गुप्ता साहब बोले अच्छा तुम ही हो तो मैं किस लिए आया हूँ। बोले पांचवा मैं कमल कुमार साहब आप बीच में ठीक है। हाँ। बोले आप बीच में ठीक है तो बोले ओके ऐसे सुल्तान सिंह नरवारिया नायक सुरेंद्र नायक वो लेस नायक बच्चन और चम्मन और वो सिपाही हम सब के वो भाई 10 बंकर है ना जब तक तो हम उसके सांप की तरह रेंगते हुए उसके पास जाएंगे और जा करके उस वक्त ग्रेनेड लूबिंग करेंगे ताकि हमारी कैजुअल्टी कम से कम हो और जीत हमारे को निश्चित मिले। और ये रात के समय आप लोग ये रात को समय 12 जून की वो घनघोर रात जो खुद का हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा। रात के 8:30 बजे जब अंधेरे की चादर ओढ़कर टुकड़ी उस खतरनाक मिशन के लिए निकल पड़ी हड्डियों को गलाती बर्फीली हवाएं चल रही थी और इस चुभती सर्दी में रस्सी के सहारे जवान अपने मिशन की ओर बढ़ रहे थे। हम जैसे सांप की तरह रेंगते हुए गए अंदर जैसे गए तो मेरा बैंकर सामने ऐसे ही बैंकर आया मेरे नजदीक तो उसमें चारों तरफ तो बर्फ पड़ी हुई थी और वो बीच में काला काला मुझे ऐसे दिखाई दिया। मैं सोचा कहीं काला पत्थर है इसको पकड़ ले तो उसमें जैसे हाथ डाला तो दुश्मन की बैरल आ गई मेरा तो बैरल और डालते ही मैंने मगर दिगंदर धोखा क्यों फायर तो कर नहीं लिया था वो और मैंने जैसे ही अपनी तरफ ऐसे फायर उसने खींचा और वो कहीं खड़ा ही था बैंकर के अंदर दुश्मन और उसने डर से फायर किया तो पहले गोली यहाँ लगी मेरे ये अंगूठे में उठा और उसके बाद में ये गोली लगी तो मेरे को पता ही नहीं चला ये इस जगह पर ये देखो 3 गोली आ गई ये 1-2-3 गोली ये लगी और 2 गोली लगी AK-47 में यहाँ से वो भी मेरे हाथ से छूट गई। अरे मुझे भगवान बहुत बड़ा धोखा मैं सोच रहा तो धोखा होगा अपने साथ में। तो गोली लगती है तो उस समय कैसा महसूस होता है? उस समय कुछ भी नहीं पता चलता रियलिटी पूछे तो मतलब हेड शूट और चेस्ट के बीच में लगता है तो आदमी डेथ हो जाता है वो बोलता नहीं बाकी कोई भी सेम गोली लगती है तो वो इस प्रकार से लगती है ऐसे जैसे कपड़े का झटका सा नहीं लगता ऐसे होता है गोली का लगते है तो दर्द नहीं होता लगते ही नहीं होता है बाद में तो भयंकर दर्द होता है तो वो तो मतलब एक फौजी अहमद तो कमांडो था। हाँ। अगर मेरा तो कोई ऐसे हाथ काटे तो भी मैं तो रोऊंगा नहीं पर आपको ये दाहिने कंधे में 3 गोली लग चुकी। हाँ, ये गोली लगी लेकिन ये अंदर ज्यादा नहीं गई। हाँ। ये साइड में मेरी दो आंगल खाल छोलती गई और हाथ भी नहीं टूटा इसमें अगले हाथ में जाकर के ऐसे फिट होगी। हाँ। लेकिन मेरा हाथ बरकरार काम कर रहे मतलब भगवान चाहते थे और रखा था कि दिगेंदर साहब अभी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले मालिक है वो तो सबका वही है और आपका अंगूठा ये उड़ चुका था अंगूठा उड़ गया।